हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने केमिकल फॉर्मूले किए थे कि किस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, जैसे उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम है तो सबसे पहले तो सी ए लिखते हैं, कैल्शियम से डिनोट करते हैं, और ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन। ठीक है। कैल्शियम हमें पता है सेकंड ग्रुप एलिमेंट होता है, बात हो चुकी है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोई। कैल्शियम सेकंड ग्रुप एलिमेंट होता है, तो इसके पास प्लस टू चार्ज होगा। और ऑक्सीजन बकनोफ ने तीन चार पांच छ सात आठ। हाँ जी, ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको दो की जरूरत और है। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, दो और एक्सेप्ट करेगा, तो माइनस टू एक्सेप्ट करने को, माइनस टू माइनस, और कितने चाहिए, दो, या तो जीरो कर दो या फिर आठ कर दो। ठीक है। हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास, कैल्शियम पर भी दो चार्ज है और ऑक्सीजन पर भी दो चार्ज है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास CA2O2। और अगर मैं टू से इनको कर देता हूं डिवाइड, तो ये आया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पॉली एटॉमिक की बात करता हूं, पॉली एटॉमिक जिसमें एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कल बात हुई थी हमारी, जैसे सोडियम नाइट्रेट सबसे पहले तो सोडियम लिखते हैं हम, एंड देन नाइट्रेट। सोडियम को हम डिनोट करते हैं Na से, Na, और नाइट्रेट होता है NO3। लास्ट टाइम हमने सारे के सारे पॉलीएटॉमिक आयंस लिखे थे, उसमें नाइट्रेट होता है NO3। हाँ जी, सोडियम का जो चार्ज होगा, हेलिना फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। हाँ जी, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है सोडियम, तो इसका मतलब प्लस वन चार्ज है, और नाइट्रेट पे चार्ज होता है माइनस वन। ठीक है, हमारी बात हो चुकी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये आएगा मेरे पास Na एक मॉलिक्यूल है, एक एटम, और NO3 ये भी एक ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो Na NO3 क्या बना, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम होता है Ca और हाइड्रोक्साइड होता है OH, हाइड्रोक्साइड होगा OH। अब कैल्शियम है सेकंड ग्रुप एलिमेंट, तो इसका जो चार्ज होगा वो होगा प्लस टू, और हाइड्रोक्साइड आयन पर चार्ज होता है माइनस वन। हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास Ca, एक ही एटम है, और OH का ट्वाइस, दो क्या है OH, और ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। हाँ जी, सोडियम सल्फेट, सोडियम है तो Na, सल्फेट को हम लिखते हैं SO4, सल्फेट। हाँ जी, सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है तो वन,
और सल्फेट पर होता है माइनस टू चार्ज, सल्फेट पर होगा माइनस टू चार्ज, मल्टी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ गया Na2, Na के हैं दो एटम और सल्फेट क्या है एक, Na2SO4 सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट हाँ जी, अमोनियम होता है NH4, सल्फेट SO4, NH4 पर जो चार्ज होता है वो होता है +1 और सल्फेट पे होता है -2। तो ये आया मेरे पास NH4 का ट्वाइस और SO4 अमोनियम सल्फेट, ठीक है। हाँ जी, इस तरह से हम केमिकल फॉर्मूले लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे और उसने बोला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले लिखेंगे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम को डिनोट करते हैं हम Mg से, हाइड्रोक्साइड को हम डिनोट करते हैं OH से। मैग्नीशियम बेटा मांगे कार स्कूटर सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो ये क्या है सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, तो +2 है चार्जेस पे, +2। OH पे क्या होता है -1, -1। तो ये आया MgOH का वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर उसने बोल रखे कि कुछ कंपाउंड, कुछ मेरे पास मॉलिक्यूल दे रखे हैं उनके क्या नाम होंगे, जैसे उसने दे दिया मुझे CaCl2, K2SO4, K2SO4, KNO3, CaCO3, हाँ जी इनके नाम होंगे। सी ए है तो कैल्शियम है और सी एल है तो क्लोरीन है, तो ये होगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। हाँ जी पोटाशियम SO4 को बोलते हैं सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट। हाँ जी पोटाशियम है और नाइट्रेट है, तो इसको बोलेंगे पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम है और कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोलता है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल, H2S में कितने एटम प्रेजेंट है, तीन एटम प्रेजेंट है, दो तो हाइड्रोजन है और एक सल्फर है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड में तीन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। PO4-3 आयन मतलब फॉस्फेट आयन में कितने एटम प्रेजेंट है, 5 एटम प्रेजेंट है, जिसमें चार तो ऑक्सीजन है और एक सल्फर है, ठीक है, 5 एटम प्रेजेंट होंगे, क्लियर। हाँ जी नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, मॉलिक्यूलर मास की, मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ द एटॉमिक मास। हां जी
मॉलिक्यूलर मास होगा, इट इज डिफाइंड एज द, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द, सम ऑफ द एटॉमिक मास, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम, ऑफ द ईच एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट है उनका जो एटॉमिक मास है उनका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है, उनका उनको जोड़ देंगे और फिर जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2O है मेरे पास मॉलिक्यूल, वाटर है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हाँ जी, H2O में मेरे पास दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे? बकनोफ ने लिखेंगे, ठीक है, पहले भी बात हो गई है। बोरोन का 5 होता है एटॉमिक मास, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इनका क्या होगा? डबल एटॉमिक मास इनका क्या होगा? डबल। जैसे यहां पर ऑक्सीजन का मुझे चाहिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो एटॉमिक मास होगा 16। हाँ जी, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है हाइड्रोजन का और एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का होता है 1 और अगर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 1 × 2, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसका वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास आया वो आएगा 18, ठीक है, 18 यूनिट अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं किससे, यूनिट से, 18 यूनिट यू, ठीक है। इसी तरह से मैं कर सकता हूं किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड बकनोफ ने एटॉमिक मास 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ जी कार्बन का देखना है मुझे तो डबल कर दो, 6 इसका एटॉमिक मास है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक मास होगा 12, ठीक है, तो 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 2, क्योंकि दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 12 + 32, 44 यूनिट, क्लियर है, 44 इसका एटॉमिक मास होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला की प्रैक्टिस करते रहेंगे और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।